दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कई कैदियों के खिलाफ दो अलहदा केसेस दर्ज कर लिए। उन पर नफरत अंगेज तकारीर करने का इल्ज़ाम है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि FIR में नामजद किए जाने वालों में साबिक BJP लीडर नवीन कुमार जिंदल और AIMIM नुपुर शर्मा, एम सदर असदुद्दीन ओवैसी, शादाब मौलाना सबा नकवी चौहान, मुफ्ती गुलजार अब्दुल रहमान, नदीम अंसारी और स्वामी यति नरसिम्हानंद शामिल है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने नफरत के पैमाद फैलाने वालों के खिलाफ जो ग्रुप्स को उकसा रहे हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो अमन आमा को बरकरारी के लिए मुजरत रिसा है, मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हम साइबर स्पेस में बेचैनी पैदा करने की नीयत से झूठी और गलत मालूम को फरोख देने वाले मुख्तलिफ सोशल मीडिया इदारों के रोल की तहकीकात करेंगे। ये लोग मुल्क के समाजी ताना बाना पर समझौता कर रहे हैं। अहदेदार ने कहा कि ताजीजात हिंद की दफात 295 और 505 और 153 के तहत FIR दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा और दीगर के खिलाफ एक अलहदा केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस रवाना करते हुए उनसे तफसीलात तलब की जाएगी और मुलजमीन से तहकीकात में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। हम उनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे और मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करेंगे। पुलिस ने बताया कि वो इस मामले में कानूनी राय हासिल कर रहे हैं।